हम इस वक्त पर जो है मौके पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर वीरपुर कीरतपुर जो है मार्ग जो है रोड जो है पानी भरने के कारण जो बंद हो गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि जो डामर रोड जो है प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना के तहत जो है ये रोड जो बनाया गया था जो अब पूरी तरीके से बंद हो चला है, जिसको लेकर जो है ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब जो है 15 से 20 जो ग्राम के लोग जो है जो इस रोड से निकलते हैं, जो बारिश में जो है ये भारी जो पानी भर जाने के कारण बड़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आज जो है ग्रामीण जो है लामबंद हो गए हैं। करीब 10,000 जो है ग्रामीण जो है कीरतपुर वीरपुर जो रोड पर जो है जाम लगाए हुए हैं। हालांकि नायब तहसीलदार जो है आशीष अग्रवाल को भी घेरे हुए हैं। उनका कहना है जब तक ये रोड की का जो है इंतजाम नहीं होगा हम पूरी तरीके से घेरे रखेंगे और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 10,000 जो ग्रामीण जो है हमने जो अभी वहाँ जो है 1-to-1 किया था वहाँ पर खड़े हुए हैं, जाम लगाए हुए हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना था कि बाकी हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं रोड जो है पूरी तरीके से बंद हो गया है। कीरतपुर जो है डैम बनाया गया है जिसके चलते जो है बारिश में जो है जो है रोड जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिसके चलते जो है महिलाओं को ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जो है ग्रामीण आज काफी परेशान थे। 15 से 20 ग्राम के जो लोग हैं आज जो है करीब 10,000 जो है ग्रामीण जो है इकट्ठे हो गए हैं, नायब तहसीलदार के पास खड़े हुए हैं। उनका कहना है समस्या का अगर समाधान नहीं होगा तो जहाँ भी पूरे ग्रामीण जो है यहीं पर खड़े रहेंगे, अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। जब तक रोड खोला नहीं जाएगा प्रशासन द्वारा, जब तक जो है अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ राशिद मीर बंसल न्यूज़ बेगमगंज।